आरोप है थाना धनारी जिला संभल में तैनात SI कमलेश सिंह उनके साथ ही हमराही 3 सिपाहियों पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई है। किस गांव के रहने वाले? ये जो अभी बताया जा रहा है, शनिवार को आपके गांव में पुलिस ने अभद्रता की है, लोगों के साथ मारपीट भी की है, जिसमें एक महिला की रीढ़ की हड्डी टूटी है, कुछ लोगों के जलने के निशान आए हैं, चोट लगी हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा है जी, मामला है बाजार वाला ही। क्या मामला पूरा? ये शनिवार को बाजार में जी का मुसलमान के लड़कन ने, मुसलमानों गांव में मुसलमान ने बजा लगती है, हुसैनपुर का लड़का यादव का था, वो उसके मारपीट कर दी उस लड़का की। मारपीट करने के बाद में भज्जी परी बाजार में थे, अपन भजी आई, दूसरे हफ्ता में बाजार का आई तो दूसरे हफ्ता में पकौड़ी की दुकान दो लगती हैं हमारी खुद, ये गांव की हमारे की दो, पहले की अखीर की दो दुकान वाले लावर के करिया खिरमा के सब्जी लेके आ गए, बिन वहीं रख ली, बिल डर के मारे ना गए कि मुसलमान जबरदस्ती जमीन बेच लेंगे अरे मन जम वहाँ को। बेचने के बाद में जी अपनी सब्जी फबी लेने गई और हम अपनी दुकान पर है, इसमें लड़का वो मारो तो इन्होंने जाके गाड़ी रोकी, इन्होंने एकदम बेंतबाजी करते चले गए। अच्छा, कुछ कुछ पुलिसकर्मी उसमें पहचान में आए? कौन कौन पुलिसकर्मी है, क्या जानते हो आप उन्हें? एक दरोगा जी को जानता था, हमें तो कुछ पहचान में। अच्छा, तो इसमें कितने लोग गंभीर हैं? 3 लोग हैं, उनके जो हाथ पाथ जल गए थोड़ा सा, वो थार फार लौट दो उसको हाथ पाथ जल गए, और इसकी ज़्यादा स्थिति खराब है, इसकी बचने की उम्मीद कोई ना है। तो बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं। क्या आपने पुलिस से कार्रवाई की है? कोई पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं और संभल के जो अधिकारी हैं उन्होंने से कोई शिकायत किया है आपने? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दे दिया कि सब जांच करवाऊंगा।